नमस्ते सभी को, मेरा नाम एफ्रोडाइट नंदा और ये है मेरे पति शिवानंद। नमस्ते। अमेरिका की नंदा देवी जब उत्तराखंड की नंदा देवी से मिलने आई तो वो यहीं की होके रह गई। किल बिल, पोल फ्रिक्शन जैसी हिट हॉलीवुड फिल्मों की अभिनेत्री उमा थर्मन को देवभूमि में नाम मिला तो वहीं स्टीफन को पहाड़ी संगीत इतना भाया कि उन्होंने अपना नाम बदलकर फियोली दास रखा और पहाड़ी गीत गाने शुरू किए। देवभूमि उत्तराखंड ने लोगों को बताया, सिखाया और रास्ता दिखाया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही 5 विदेशियों के बारे में जिनका उत्तराखंड के साथ गहरा कनेक्शन है, इतना गहरा कि किसी के नाम या तो किसी के काम में उत्तराखंड जुड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ कल्पना और आप देख रहे हैं घुघुती। 1949 का साल था। विली अनसोइल, जो आगे चल के अमेरिका के प्रसिद्ध पर्वतारोही बने, ने नंदा देवी पर्वत देखा। वो पर्वत की खूबसूरती को देख के इतना मुग्ध हुए कि उन्होंने सोच लिया, आगे चल के कभी मेरी बेटी हुई तो उसका नाम नंदा देवी रखूंगा। 1954 में विली और जॉलिन की एक बेटी हुई, नाम पड़ा नंदा देवी। नंदा देवी अनसोइल तेज तर्रार, हंसमुख और पहाड़ों को प्यार करने वाली लड़की थी। 1974 में जब वो 20 साल की हुई तो उन्होंने अपने पिता और अन्य साथियों के साथ नंदा देवी पर्वत पर पर्वतारोहण की योजना बनाई। जुलाई 1976 में वे पर्वतारोहण के लिए भारत पहुंची। भारतीय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेरा नंदा देवी से करीबी रिश्ता है, मैं इसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, लेकिन जब से पैदा हुई हूँ तब से ये पर्वत मेरे लिए खास है। पर्वतारोहण के दौरान नंदा देवी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वे पहाड़ से नीचे आने के लिए तैयार नहीं थी और 7 सितंबर 1976 में नंदा देवी ने नंदा देवी पर्वत पर अपनी आखिरी सांस ली और इस तरह से अमेरिका की नंदा देवी हमेशा के लिए हिमालय की नंदा देवी होकर रह गई। किल बिल, पर्ल फ्रिक्शन, ब्यूटीफुल गर्ल समेत कई हिट हॉलीवुड फिल्मों की अभिनेत्री उमा थर्मन का भी देवभूमि से खासा कनेक्शन है। उमा करुणा थर्मन का नाम मां पार्वती के नाम पे रखा गया है। दरअसल उमा के पिता रॉबर्ट थर्मन एक अमेरिकी लेखक है। वो अपनी पत्नी के साथ कसार देवी आए थे। यहाँ उन्होंने काफी वक्त बौद्ध मठ में बिताया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ बुद्ध पे कई किताबें लिखी बल्कि अपनी बेटी का नामकरण भी किया। वैसे तो उमा का जन्म अमेरिका से है, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ काफी वक्त कसार देवी में बिताया। मेरा दांडी कांडू का मुलुका जेलो मसंदर तुमाजे। फियोली दास यानी स्टीफन फियोल अमेरिका की सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी में संगीत के प्रोफेसर हैं। स्टीफन ने करीब 13 साल तक पहाड़ी संगीत में अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने ढोल वादक ऑजियो के साथ रहकर ढोल बजाना सीखा। स्टीफन की कई वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पे वायरल है। इतना ही नहीं, स्टीफन ने ऑजी समाज को उनका सम्मान और हक दिलाने के लिए कई कार्य किए हैं। इसमें से एक है अपना नाम बदलकर फियोली दास रखना। फिलहाल स्टीफन अमेरिका में है, लेकिन उनका पहाड़ी संगीत से जुड़ाव आज भी जिंदा है। हॉलीवुड की चकाचौंध भरी जिंदगी, महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, हॉलीवुड एक्टर मैगी ओहारा के पास सब था, लेकिन साल 1997 में उन्होंने अपनी जिंदगी से रिटायरमेंट लिया और ऋषिकेश सेटल हो गई। यहाँ आते ही उन्होंने ऐसे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया जिनका कोई नहीं था। ऋषिकेश बसते ही उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रभावती द्वाबा रखा। प्रभावती आज भी ऐसे ही कार्यों में जुड़ी है। आज भी रमनाज गार्डन में ऐसे बच्चों को पढ़ाया और आगे के जीवन के लिए संवारा जाता है। साउथ अफ्रीका के शिव नंद और थाईलैंड में पली बड़ी एफ्रोडिट नंदा ने त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी रचाई। इसी मंदिर में उन्होंने अपना नामकरण भी किया। शिव और नंदा दोनों ही शिव भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक सीमित हैं। ये लोग हिमालय में बढ़ रहे प्लास्टिक वेस्ट से भी लड़ना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने अर्थ योग हिमालय नाम का एनजीओ खोला है। इस एनजीओ के तहत ये लोग हिमालय को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की तैयारी भी शुरू करने वाले हैं। हिमालय को बचाना है। देवभूमि से प्रभावित होने वाले सैकड़ों हजारों लोगों में से ये सिर्फ कुछ नाम है। लिस्ट काफी लंबी है।
हम कोशिश करेंगे कि इस लिस्ट के और लोगों से भी हम आपको मिला पाएं। तब तक आप हमें ज़रूर बताइए कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी और क्या क्या आप पहाड़ के बारे में जानने के इच्छुक हैं। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज़ें हम आप तक पहुँचा पाएँ। धन्यवाद।